नमस्कार। आरबीआई के गवर्नर श्रीमान शक्तिकांत दास जी, क्रिस गोपाल कृष्णन जी, मेंबर्स ऑफ रेगुलेटर्स, फाइनेंस इंडस्ट्री के लीडर्स, फिनटेक और स्टार्टअप वर्ल्ड के मेरे साथी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये भारत में त्योहारों का मौसम है। अभी अभी जन्माष्टमी हमने मनाई है और खुशी देखिए, हमारी इकोनॉमी और हमारे मार्केट में भी उत्सव का माहौल है। इस फेस्टिव मूड में ये ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हो रहा है। और वो भी सपनों की नगरी मुंबई में। मैं देश और दुनिया से आए यहां सभी मेहमानों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यहां से आने से पहले मैं अलग अलग एग्जीबिशंस देख करके आया हूं, काफी साथियों से गप्पे गोष्ठी करके आया हूं। हमारे नौजवानों के इनोवेशन का और फ्यूचर की संभावनाओं का एक पूरा नया संसार वहां दिखाई दे रहा है। चलिए, आपके काम के लिए मैं शब्द बदलता हूं, एक पूरी नई दुनिया दिखाई दे रही है। मैं इस फेस्टिवल के आयोजकों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां बड़ी संख्या में विदेशों से हमारे मेहमान भी आए हैं। एक समय था जब लोग भारत आते थे तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी देखकर दंग रह जाते थे, हैरान हो जाते थे। अब लोग भारत आते हैं तो हमारी फिनटेक डाइवर्सिटी को देखकर भी हैरान होते हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग एक्सपीरियंस तक भारत की फिनटेक क्रांति चारों तरफ दिखती है। पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है। दस साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% वृद्धि हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। आपको याद होगा, कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे।
और क्या कहते थे, वो पूछते थे कि भारत में बैंक इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहाँ तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहाँ होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए हैं। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। साथियों, जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी ने एक और ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी है। कभी लोग कहते थे कि कैश इज किंग। आज दुनिया का करीब करीब आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। आज गांव हो या शहर, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या बर्फ गिर रही हो, भारत में बैंकिंग सर्विस 24 घंटे सातों दिन 12 महीने चलती रहती है। कोरोना के इतने बड़े संकट के दौरान भी भारत दुनिया के उन देशों में था जहां हमारी बैंकिंग सर्विस बिना किसी दिक्कत के चलती रही। साथियों, अभी 2-3 दिन पहले ही जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। जनधन योजना विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए नए अवसर बनाए हैं। इन्हीं जनधन खातों की फिलॉसफी पर हमने
माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी स्कीम मुद्रा लॉन्च की। इस स्कीम से अभी तक 27 ट्रिलियन रुपए से अधिक का क्रेडिट दिया जा चुका है। 27 ट्रिलियन, इस स्कीम की करीब 70% बेनिफिशियरी महिलाएं हैं। जनधन खातों ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बैंकिंग से जोड़ा। इसका फायदा आज देश की 10 करोड़ रूरल विमेन को मिल रहा है। यानी जनधन प्रोग्राम ने महिलाओं के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की एक मजबूत नींव रखी है। साथियों, पूरी दुनिया के लिए पैरेलल इकोनॉमी एक बड़ी चिंता का विषय रही है। फिनटेक ने पैरेलल इकोनॉमी पर भी चोट की है और बधाई के पात्र आप लोग हैं। आपने ये भी देखा है कि कैसे हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है। आज लोगों को फॉर्मल सिस्टम से जुड़ने में अपना लाभ नजर आता है। साथियों, भारत में फिनटेक की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, इसका सोशल इंपैक्ट बहुत व्यापक है। इससे गांव और शहर की खाई को ब्रिज करने में मदद मिली है। कभी हमारे यहां बैंक की सर्विस लेने में ही एक पूरा दिन लग जाता था। एक किसान के लिए, एक मछुआरे के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। फिनटेक ने इस समस्या को दूर किया। कभी बैंक सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित हुआ करते थे, आज बैंक हर भारतीय के मोबाइल में सिमट गए हैं। साथियों, फिनटेक ने फाइनेंशियल सर्विस को डेमोक्रेटिक बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। लोन, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट सबके लिए आसानी से सुलभ हो रहे हैं। फिनटेक ने एक्सेस टू क्रेडिट को भी आसान और इंक्लूसिव बना दिया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं भारत में स्ट्रीट वेंडर्स की एक पुरानी परंपरा है, लेकिन वो फॉर्मल बैंकिंग से बाहर थे। फिनटेक ने इस स्थिति को भी बदल दिया। आज वो पीएम स्वनिधि योजना से कोलेट्रल फी लोन ले पा रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के आधार पर उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोन मिलता रहता है। कभी शेयर और म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट बड़े शहरों में ही संभव था,
आज गांव और कस्बों में भी इन्वेस्टमेंट के इस एवेन्यू को बड़ी संख्या में एक्सप्लोर किया जा रहा है। आज कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स ऑनलाइन मिल रही है। आज बड़ी संख्या में भारतीय रिमोट हेल्थ केयर सर्विस ले रहे हैं, डिजिटली ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं। ये भी फिनटेक के बिना संभव नहीं था। यानी भारत की फिनटेक क्रांति डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको बेहतर बनाने में भी बड़ा रोल निभा रही है। साथियों, भारत की फिनटेक क्रांति की उपलब्धि सिर्फ इनोवेशंस के लिए ही नहीं बल्कि एडॉप्शन लेकर के भी है। भारत की जनता ने जिस स्पीड और स्केल पर फिनटेक को एडॉप्ट किया है उसका उदाहरण कहीं और नहीं मिल सकता। इसका एक बड़ा क्रेडिट हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को भी जाता है और हमारे फिनटेक को भी जाता है। देश में इस टेक्नोलॉजी को लेकर ट्रस्ट पैदा करने के लिए अद्भुत इनोवेशन किए गए हैं। QR कोड के साथ साथ साउंड बॉक्स का उपयोग ऐसा ही इनोवेशन है। हमारे फिनटेक सेक्टर को सरकार के बैंक सखी कार्यक्रम का भी अध्ययन करना चाहिए। और मैं सब फिनटेक के वाले नौजवानों को कहना चाहता हूं, ये बैंक सखी है क्या? मैं अभी जलगांव आया था एक दिन, तो मैं ऐसी बैंक सखियों से मिला तो बड़े गर्व से कहते, मैं एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए का कारोबार करती हूं। आप कॉन्फिडेंस, और एक गांव की महिला थी वो। हमारी बेटियों ने गांव गांव में बैंकिंग को, डिजिटल अवेयरनेस को जिस प्रकार फैलाया है उससे फिनटेक को एक नया बाजार मिला है। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। करेंसी से QR कोड तक की यात्रा में सदियां लग गई, लेकिन अब हर रोज हम नए इनोवेशन देख रहे हैं। डिजिटल ओनली बैंक्स और नियो बैंकिंग जैसे कंसेप्ट हमारे सामने हैं। डिजिटल ट्विंस जैसी टेक्नोलॉजी डेटा आधारित बैंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। इससे रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन और कस्टमर एक्सपीरियंस सब कुछ बदलने वाले हैं। मुझे खुशी है कि भारत भी लगातार नए फिनटेक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। हम ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो लोकल है लेकिन उनकी एप्लीकेशन ग्लोबल है। आज ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग को
इंक्लूसिव बना रहा है। ये छोटे बिजनेस, छोटे एंटरप्राइजेस को बड़े अवसरों से जोड़ रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर्स लोगों और कंपनियों का कामकाज आसान करने के लिए डेटा को यूज कर रहे हैं। ट्रेड प्लेटफॉर्म की मदद से छोटी संस्थाओं की लिक्विडिटी और कैश फ्लो बेहतर हो रहे हैं। ई रूपी एक ऐसा डिजिटल वाउचर बना है जिसे कई रूपों में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के ये प्रोडक्ट्स विश्व के दूसरे देशों के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं। और इसी सोच के साथ हमने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे G20 मेंबर्स ने खुले दिल से स्वीकार किया था। मैं AI के दुरुपयोग से जुड़ी आपकी चिंताओं को भी समझता हूं, इसलिए भारत ने AI के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने का भी आह्वान किया है। साथियों, फिनटेक सेक्टर की मदद के लिए सरकार पॉलिसी लेवल पर हर जरूरी बदलाव कर रही है। हाल में हमने एंजल टैक्स को हटाया है। ठीक नहीं किया, नहीं ठीक किया है ना। हमने देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की है। हमने डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया है। मेरी हमारे रेगुलेटर से भी कुछ अपेक्षाएं हैं। हमें साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और डिजिटल लिटरेसी के लिए और बड़े कदम उठाने होंगे। साइबर फ्रॉड स्टार्टअप्स की, फिनटेक्स की ग्रोथ में रुकावट न बने, ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। साथियों, पहले के जमाने में बैंक डूबने वाली है या बैंक डूबी है या डूब जाएगी, ये बात फैलते हुए इंपैक्ट होते होते 5-7 दिन निकल जाते थे। आज अगर किसी व्यवस्था में पता चला कि इस पर साइबर फ्रॉड है, 1 मिनट में मामला पूरा, वो कंपनी गई। फिनटेक के लिए बहुत जरूरी है और साइबर सॉल्यूशन, उसका बाल मृत्यु बहुत जल्दी हो जाता है। कोई भी साइबर सॉल्यूशन निकालिए, उसका बेईमान लोग तोड़ निकालने में देर नहीं करते, तो उस सॉल्यूशन का बाल मृत्यु हो जाती है, फिर आपको नया सॉल्यूशन लेके आना पड़ता है। साथियों, आज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ये भारत की प्राथमिकता है। हम स्ट्रांग, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम्स बना रहे हैं। हम फाइनेंशियल मार्केट्स को एडवांस टेक्नोलॉजीज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से मजबूत कर रहे हैं। हम ग्रीन फाइनेंस से सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल इंक्लूसिव के, उस इंक्लूजन के सैचुरेशन पर बल दे रहे हैं। मुझे विश्वास है भारत का फिनटेक इकोसिस्टम
भारत के लोगों को क्वालिटी लाइफस्टाइल देने के मिशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है भारत का फिनटेक इकोसिस्टम पूरी दुनिया की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगा। और मुझे मेरे देश के युवाओं की टैलेंट पे इतना भरोसा है, इतना भरोसा है, और मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, आवर बेस्ट इज येट टू कम। ये आपका पांचवा समारोह है ना, तो दसवें में मैं आऊंगा। और तब आपने भी कल्पना नहीं की होगी, वहां पर आप भी पहुंचे होंगे दोस्तों। आज अभी मैं आपके कुछ स्टार्टअप यूनिट्स वालों को मिला, सबको तो नहीं मिल पाया, कुछ लोगों को मिला, लेकिन हर एक को 10-10 होमवर्क दे करके आया हूं। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला क्षेत्र है साथियों, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है और उसकी मजबूत नींव यहां हम देख रहे हैं। इसी भरोसे के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण गोपाल जी के कहने पर हमने फोटो निकाली, लेकिन आपको निकाल लगेगा इसका क्या मतलब है। मैं फायदा बताता हूं, मैं एआई की दुनिया से जुड़ा हुआ इंसान हूं, तो आप अगर नमो ऐप पर जाएंगे तो नमो ऐप पर फोटो डिवीजन में जाएंगे, वहां अपनी सेल्फी रखेंगे और आज कहीं पर भी आप मेरे साथ नजर आते हैं तो आपको अपनी फोटो मिल जाएगी। गर्जा हिंदुस्तान चैनल ला सब्सक्राइब करा आणि ताजा घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉन वर प्रेस करा।